दिया परमिशन, मैंने परमिशन दे दिया। किसको चाहिए? नहीं सर, मिल गया। मिल गई ना? स्फेरिकल बॉडी या स्फेरिकल ब्लैक बॉडी ले लेता। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, इस प्लेस्ड इन वैक्यूम एम्प्टी स्पेस। Has mass m specific heat capacity s and is at a temperature of 400 Kelvin. Find the time in which its temperature drops to 300 Kelvin. Find the time in which its temperature drops to 300 Kelvin. तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। भाई देखो, हमें जो बाहर का सराउंडिंग्स है वो तो वैक्यूम दिया हुआ है, एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है ना। तो क्या है इसका मतलब, बॉडी पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो पा रहे होंगे क्या बच्चों? क्या कोई रेडिएशन गिर पा रहे हो? इस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट नहीं हो पा रहा, और रेडिएशन इंसिडेंट नहीं हो पा रहे होंगे तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा हो, है ना। तो इसका जो माइनस डी क्यू बाई डी टी है, रेट ऑफ हीट लॉस, क्या वो सीधे सीधे मैं सिग्मा इंटू एरिया, एरिया इज 4πr² इंटू इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 इसी तरह से लिख सकता हूं?
और क्या माइनस डी क्यू बाई डी टी को माइनस एम एस डी टी बाई डी टी ऐसा भी लिख सकते हैं? Which means dt upon t raised to the power 4 is equal to minus sigma 4 pi r square by ms into dt. ये ऐसा हम लिख सकते हैं. और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें बच्चों 0 से t तक, और LHS में हम लिमिट्स डाल दें क्योंकि कैपिटल टी टेम्परेचर इन केल्विन ही है, तो 400 केल्विन से 300 केल्विन तो क्या हो जाएगा? टी रेस टू दी पावर माइनस 4 डीटी का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे बच्चों? टी रेस टू दी पावर माइनस 4 प्लस 1 मतलब टी रेस पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 and substitute limits from 400 to 300. Yeh aa jayega minus sigma 4 pi r square by ms into p. Kya aa jayega bhai? Yahan se minus 1 by 3 जो है वो बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा? वन बाई 300 की पावर 4 माइनस वन बाई 400 की पावर. माइनस सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी बाई एम एस, तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है और हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एम एस डिवाइडेड बाई 12 पाई आर स्क्वायर सिग्मा सर. पावर में 4 है क्या बेटे? पावर में 3 आएगा ना सर? 300 और 400 3 3 3 यस यस 3 पावर में. और डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 आ जाए. क्या ये बात समझ में आ रही? और एक सवाल करा था. When
टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस द वेवलेंथ फॉर पीक स्पेक्ट्रल डेंसिटी decreases from 5,000 angstrom to 3,000 angstrom. Find the ratio of final and initial power emitted by the body. Find the ratio of final and initial power emitted by the body. अच्छा आरएम टू बैच के बच्चे भी आ गए हैं ना इसमें? हाँ सर। तो प्रीवियस पेज जा सकते हैं? प्रीवियस पेज पे जाना है। ओके बस यहीं से स्टार्ट किया है। हाँ सर हो गया। होगा भाई तो इसको कैसे करोगे बच्चों? भाई इसमें हमें दोनों लॉ यूज करने पड़ेंगे, एक तो वीएनस डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर T डैश है, इनिशियल टेम्परेचर T है, तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल को क्या लिखेंगे? फाइनल टेम्परेचर की पावर 4 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर की पावर नहीं, और टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा पीक स्पेक्ट्रल डेंसिटी जिस वेवलेंथ पे आती है वो ऐसे होती है, तो हम क्या लिखेंगे? लैम्डा एम इनिशियल इंटू टी इनिशियल बराबर होगा किसके? लैम्डा एम फाइनल इंटू टी फाइनल। इसका मतलब लैम्डा एम इनिशियल अपॉन लैम्डा एम फाइनल दिस इज इक्वल टू टी फाइनल बाई टी। तो इसको आप लिख दीजिए लैम्डा एम इनिशियल अपॉन लैम्डा एम फाइनल की पावर 4, तो ये आ जाएगा कितना? 3/5 की पावर 81 की पावर कितना? 625। क्या ये बात समझ में आ पा रही है बच्चों?
81 की पावर 620 फाइनल और इनिशियल पावर का रेशो पूछा है ना, तो सर 5/3 की पावर पर मैंने उल्टा लिख दिया क्या? When temperature of body peak spectral density decreases from पहले 5000 था बाद में 3000 हो गया तो 5/3 है 625/80 टेम्परेचर बड़ा है तो एमिसिव पावर का रेशो ग्रेटर देन वन ही आना चाहिए, फाइनल और इनिशियल का रेशो ग्रेटर देन वन आना चाहिए 625/80 प्रीवियस पेज। हाँ ये रहा मैं देखो, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं, जेई में आए हुए हैं, कि आपको क्या कहा गया स्पेक्ट्रल डेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाया गया, एक ग्राफ ऐसा बना, एक ग्राफ ऐसा बना, एक ग्राफ थोड़ा ऐसा बन रहा, ये बोल रहे हैं ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ऑप्शन आपको कुछ दिए गए हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि पहला वाला एक इलेक्ट्रिक बल्ब का है, दूसरा वाला वेल्डिंग आर्क के लिए है, तीसरा वाला सन के लिए है, बी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि दूसरा वाला बल्ब का है, तीसरा वाला वेल्डिंग आर्क का ग्राफ है, और पहला वाला जो है वो सन के लिए, सी में क्या है, तीसरा वाला बल्ब का है, दूसरा वाला सन का है, और पहला वाला वेल्डिंग आर्क का, और डी ऑप्शन में दे दिया है दूसरा वाला बल्ब का है, पहला वाला वेल्डिंग आर्क का है,
और तीसरा वाला सन। ई मतलब एमिसिव पावर, ई लैम्डा इसको बोलते हैं। पर यूनिट एरिया की जगह अपन ने क्या ले लिया, टोटल ही लिख दिया उसको मैं। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? कुछ लोगों ने तो सही आंसर बता दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पूरे 100% लोग सही आंसर। गुड गुड गुड, अभी तक तो जिसने ही बताया सबने सही ही बताया। सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ए, करेक्ट आंसर इज वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे आधारित है ये क्वेश्चन। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बच्चों? वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? सन का। तो जो सबसे लेफ्ट में ग्राफ है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, उसके बाद किसका है? वेल्डिंग आर्क का, और उसके बाद किसका है? बल्ब। तो ये ग्राफ कौन सा होना चाहिए बच्चों? ग्राफ का सही जवाब है ए, है ना? अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों। देखिए हमें दिया हुआ है 3 डिस्क। Of same material, A, B and C of radii 2 cm, 4 cm and 6 cm are coated with carbon black. Their wavelengths corresponding to maximum spectral radiancy. Are 300, 400 and 500 nanometer respectively. Maximum, then maximum power will be emitted by.
ए बी बी सी सी डी सेम फॉर ऑल. अभी इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. कॉन्सेप्ट के नाम पे तो देखो उतना जबरदस्त नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी. आप बच्चों, आपको मंडे के टेस्ट का सिलेबस मिल गया है क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स एंड हीट ट्रांसफर, तो इसका मतलब दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी भाई अपने. क्यों? आर वालों का वेव ऑप्टिक्स भी है. यस, आर वालों का थोड़ा उनको बोनस गिफ्ट दिया गया. केवीपीवाई का कुछ टिप बताइए ना भाई. आराम, फटाफट फटाफट करो क्वेश्चन. ज्यादा अटको मत, किसी भी सवाल में अटको मत. सवाल की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो जो आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा है छोड़ते जाओ. देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है भाई? सिंपल सी बात है, आपको लिखना है लैम्डा एम इंटू टी एस बी. तो टी की वैल्यू आ जाएगी पी डिवाइडेड बाई लैम्डा एम, है ना. तो तीनों का टेम्परेचर पता चल जाएगा. टेम्परेचर ऑफ ए हो गया पी डिवाइडेड बाई 300, है ना. उसको नैनोमीटर में ही रहने दो, अपने को कंपैरिजन ही तो करना है. टेम्परेचर ऑफ बी हो गया बी डिवाइडेड बाय 400. टेम्परेचर ऑफ सी हो गया बी डिवाइडेड बाय 500. तो पावर एमिटेड बाय ए कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए का एरिया, ए का एरिया हो जाएगा
पाई इंटू टू का स्क्वायर इंटू बी अपॉन बी की पावर फोर अपॉन 300 की पावर फोर। इसमें क्या आएगा, ये सब कांस्टेंट कांस्टेंट तो इसमें भी आएंगे, इसमें आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 400 की पावर 4, और इसमें भी वही कांस्टेंट आ जाएंगे, और इसमें आ जाएगा क्या 6 का स्क्वायर अपॉन 500 की पावर। तो ये क्या आ रहा है 4/81 के प्रोपोर्शनल, ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/16, और ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है 36/625, है ना। तो मैं क्या करूं, इस सब जगह 36 बना दो यार, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 36 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो पहला वाला में आ जाएगा कितना 36/729, दूसरा वाले में आ जाएगा 36/5/625। क्या आ रहा है बी का मैक्सिमम आ रहा, तो आंसर क्या कितना आ जाएगा इसका, आंसर विल बी कैलकुलेशन भी और कंसेप्ट, समझ रहे हैं, कैलकुलेशन भी और शिक्षा भी और सुरक्षा भी दोनों, जैसे अपन बोलते हैं ना भाई पढ़ना भी है और सुरक्षित रहते हुए भी पढ़ना। आपने जो प्रोपोर्शनलिटी की वो इसको वापस रिपीट कर दीजिए ना। प्रोपोर्शनलिटी भाई मैंने कहा यार बाकी सब तो सेम ही है ना, सिर्फ टेम्परेचर और एरिया पे ही का ही तो खेल है, तो बस आप क्या है टेम्परेचर वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है ना, तो एरिया अपॉन ई सबके लिए सेम है, सबको अपन ने सेम कोटिंग कर दिया ना, कोई कार्बन ब्लैक नाम की कोटिंग सबको डाल दिया। इसका मतलब क्या है ई की वैल्यू एमिसिविटी सबके लिए सेम हो गई है ना। Yes, sir. टेक्निक करते तो सवाल ही नहीं कर पाता, वैसे भी उन्होंने सेम मटेरियल दिया हुआ है ना यार, दिया तो हुआ है सेम मटेरियल, नहीं सेम मटेरियल वैसे भी दिया हुआ है, कोटिंग कोटिंग ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, नहीं देते तब भी हो जाता सवाल, ठीक है। तो ये चेक करना चाहते हैं भाई तुम अपने कॉन्सेप्ट पे कितना अटल हो, ऐसा तो नहीं कि तुम डावाडोल, मेरा सी आ रहा है, सी कैसे आ रहा है, गलत आ रहा है, हमारा तो बी आ रहा है भाई, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चलेगी लेकिन, है ना, सही है तो एक आदमी ही सही के लिए उसको नंबर मिल जाएंगे। कुछ गलती किया है क्या मैंने कैलकुलेशन में बच्चों, टू स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 4 तो 4/81, 4 स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 4 तो 1/16, और लास्ट में आएगा 6 स्क्वायर अपॉन 5 की पावर 4 तो 36/625, है ना। तो सबके न्यूमरेटर को 36 बना दिया अपन, सबके न्यूमरेटर को 36 बना दिया,
तो ए में क्या था, 4/81 था, उसको 36 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 36/729। बी में 1/16 था तो 36/16 इंटू 36 कर दिया, ये 16 इंटू 36 करोगे तो कितना आएगा, 16 6 96 96 की 6 हासिल लगा 9 16 3 48 48 और 9 57 576 आ तो रहा, और तीसरा वाला भी क्या आएगा 36/625। ठीक है यार, बी ही आ रहा है बेटे, चेक करो तुम्हारी कैलकुलेशन। भैया क्या कर रहे हो तुम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखना पड़ेगा वापस। तुमने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा क्या भेजा, नहीं नहीं मैं नहीं चेक करूंगा, तुम ही चेक करो। तुम चेक करो भैया, मैंने चेक कर लिया मेरा सही है। अब क्या करेंगे साहब, और सवाल करेंगे है ना। एक और ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों। और एक क्वेश्चन करा रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ बॉडीज एक्स एंड वाई वेरी विद टाइम एज शोन इन फिगर। If emissivity of bodies X and Y are EX and EY, and absorptive powers are AX and AY, assume identical conditions, assume other conditions are identical for them, मतलब एरिया वगैरह मास सब सेम है, सेम टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम, और ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है हमको। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ई वाई ग्रेटर देन ई एक्स एंड ए वाई ग्रेटर देन ए एक्स, बी ई वाई
less than ex and ay less than ax. C, ey greater than ex and ay less than ax. And D, ey less than ex and ay greater than ax. अच्छा इसमें से कौन सा ऑप्शंस तो डेफिनेटली गलत है बच्चों, कौन सा ऑप्शन है विच इज डेफिनेटली रॉन्ग? सी और डी. यस, सी एंड डी तो मतलब देखते ही गलत लगा देने हैं. क्यों भी? क्योंकि दोनों ही बड़े होते हैं, दोनों ही छोटे. सी और डी तो देखते ही गलत लगा देने. अरमान तुमने सी लगाया बेटे, गलत बात है. क्यों बेटे सी क्यों लगाया तुमने? अपन ने क्या डिस्कस किया था? गुड एब्जॉर्बर्स आर व्हाट? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स. गुड एमिटर्स तो सी तो हो ही नहीं सकता. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एमिसिविटी वाई की ज्यादा और एब्जॉर्प्टिविटी एक्स की ज्यादा. ठीक है, तो ये सी और डी तो तुरंत दूर हो जाना है इनसे, तो ए और बी में ही खेलना है सब. तो आप कोई एक चीज पता कर लो, मतलब अपने को एमिसिविटी का रेशियो पता चल जाए, अपना काम बन जाए, है ना? जैसे स्पेसिफिसिटी भी सेम है. अरे मेरे भैया बोल तो दिया उसमें, अज्यूम अदर कंडीशंस आर आइडेंटिकल फॉर बोथ. अदर कंडीशंस आर identical for both. ये तो बोल दिया ना हमको. अच्छा ये किस पे आधारित है? कौन से लॉ पे आधारित है बच्चों? किस लॉ पे बेस्ड है? इज इट बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. के का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? के होता है 4E σ A T S का क्यूब अपॉन एम एस. क्या ये पढ़ा था कि नहीं? 4E σ A T S का क्यूब बाई एम एस. इसका मतलब क्या है? हायर द एमिसिविटी मोर इज द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर किसका ज्यादा तेजी से गिर रहा है बच्चों, वाई का या एक्स का? वाई का. इसका मतलब वाई की एमिसिविटी ज्यादा. इसका मतलब वाई की एमिसिविटी ज्यादा है. तो भैया आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ रही है बच्चों बात? किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें? एक बार फिर से सुनो. तो ऐसा हुआ भाई कि
भाई यहाँ तक तो फॉर्मूला ही है ना। उसके बाद आपने देखा आप दोनों बराबर टेम्परेचर से चालू हुए थे और सेम टाइम बीता, तो क्या हो गया, y का टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया x के टेम्परेचर के कंपैरिजन। इसका मतलब y में टेम्परेचर जल्दी जल्दी डिक्रीज हुआ, रेट ऑफ कूलिंग है ना। या आप यहाँ पे स्लोप से कंपेयर कर लो, y के ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, x के ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थोड़ा कम स्लोप वाला आएगा, नहीं? यानी कि y का टेम्परेचर तेजी से डिक्रीज हो रहा है, x का टेम्परेचर उतना तेजी से डिक्रीज नहीं हो रहा है ना। तो ये यही तो होती है रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर। होता है कि नहीं बच्चों? हाँ, मतलब ऐसे भी देख सकते हो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाने में किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, x को ज्यादा टाइम कर लग रहा है, मतलब x में धीरे धीरे गिर रहा है तो उसकी एमिसिविटी कम, ऐसे भी देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। क्या यहां तक समझ में आती है बात भाई सबको? और एक सवाल कर आपका, सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? हाँ बेटे, हाँ सर हो गया। x का e ज्यादा है या कम? कम है ना बेटे, x का e कम है ना, हीट फ्लोस थ्रू two cylindrical rods यार, अब ये मतलब उतना ठीक क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हारी शीट में है, तुम प्रैक्टिस करना इसको, ठीक है? मैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। हमें कहा जा रहा है थ्री वेरी लार्ज प्लेट्स ऑफ सेम एरिया आर केप्ट वेरी क्लोज टू each other, are kept very close to each other and parallel to each other. They are considered as
आइडियल ब्लैक सर्फेसेस. And have very high thermal conductivity. The first and third plates are maintained at temperatures 2T and 3T respectively. The temperature of the middle plate under steady state condition is ऑप्शन दिए नहीं मैंने, ऑप्शन दूं क्या? हाँ, क्योंकि क्या है, ऑप्शन दो, क्यों दो भाई, बिना ऑप्शन की बता दो. अभी तक दो आंसर आए हैं, दोनों गलत आए, ठीक से करो भाई, ऐसे काम नहीं चले. हाँ तो एक मिनट पानी पी.
एक बच्चे ने सही आंसर बताया है, हर्ष ने, हर्ष खैरनार ने सही आंसर बताया। वेरी गुड बेटे। देखो कैसे करेंगे, करेक्ट आंसर आई थिंक इज 97 बाय 2 रेज टू द पावर 1 बाय 4 इनटू कैपिटल टी। ये सही आंसर। कैसे करोगे देखो, ये तीन प्लेट्स हैं, बहुत लार्ज हैं, बहुत पास पास रखी हुई हैं, इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि जो भी रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं वो नॉर्मली ही इंसिडेंट हो रहे हैं, है ना। ये जो भी इंसिडेंट कर रहा है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर जाकर के गिर रहा है इस तरीके। पहली और तीसरी प्लेट्स का टेम्परेचर दिया हुआ है 2T और 3T, ऐसा इनका टेम्परेचर हमें दिया हुआ, और ये टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है। इसका टेम्परेचर को T- मान लेते हैं, तो यहां से कुछ रेडिएशंस निकल करके इस पे गिर रहे होंगे, इससे कुछ रेडिएशंस निकल करके इस पे गिर रहे होंगे, और ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो अपने को लिखो। तो मिडिल प्लेट के लिए हम इक्वेशन लगा रहे हैं क्या, पावर एमिटेड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब, और वो कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, सिग्मा इनटू ए इनटू 2T की पावर 4 प्लस सिग्मा इनटू ए इनटू 3T की पावर 4। ये तो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो इसने एमिट किया और जो इसने एमिट किया, और ये खुद एमिट कितना कर रहा है, सिग्मा इंटू 2A इंटू इसका टेम्परेचर की पावर 4। 2A क्यों, लेफ्ट सरफेस भी एमिट कर रही है और राइट सरफेस भी एमिट कर रही है, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो 2 times T- की पावर 4 इक्वल टू T की पावर 4 कॉमन आ गया, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 और 3 की पावर 4 करोगे तो 81 और 16 कितना हो जाता है 97।
इसका मतलब t डैश की क्या वैल्यू आ गई, नाइंटी सेवन बाई टू की पावर वन बाई फोर इंटू कैपिटल, ये टी डैश की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आती? क्या ये बात समझ में आती है बच्चों से? ओके, अगले पेज पे चलें। हो गया बेटे? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक चीज, इस तरह के भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि अ बॉडी प्लेस्ड इन अ सराउंडिंग्स of temperature 30 degree Celsius cools from let's say 44 degree Celsius in 10 minutes. Find the time in which its temperature drops from 44 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. Find the time in which its temperature drops from 44 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? देखो मैं बताता हूँ, हम क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे, लेकिन आप एक बात समझिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to temperature difference between object and the surroundings. Rate of cooling is directly proportional to temperature difference between the object and the surroundings. Yeah, minus dT by dT equal to K into T minus TS. अब ये basically क्या है? Instantaneous rate of cooling. ठीक है, तो देखो जब बॉडी 50 डिग्री पे था तो उसके और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री का था, 50 माइनस 30। जब बॉडी का टेम्परेचर 44 हो गया
तो उसके और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। तो जब 50 डिग्री पे था तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा रही होगी, 49 हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो गई, 48 तो और कम, 47 तो और कम, 46 तो और कम, ऐसे धीरे धीरे रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती जा रही है ना। तो अगर मैं क्या करूं, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 44 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये 50 - 44 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम अपन 10 मिनट ऐसा लिख सकते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग फ्रॉम 55 - 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ जाएगा, 50 - 44 मतलब 6/10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट ऐसा आ रहा है, ये एवरेज रेट ऑफ कूलिंग है। हम क्या मान लेते हैं कि ये जो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स, है ना। तो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग को हम कैसे लिखा मैंने, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो इसको कैसे लिखा अपन ने, के इनटू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिख दूंगा, इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। तो LHS में तो मेरे पास आ गया 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और RHS में कितना आ गया, K इनिशियल टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर वॉज 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कर दिया तो वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो कितना आ गया बेटे, 50 + 44 मतलब इसके बीच का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। 47 - 30 कर दो तो 17 डिग्री सेल्सियस ऐसा आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल होता है, के की वैल्यू क्या होती है, 6/17 मिनट इनवर्स, ये के की वैल्यू इतनी आ जाती। एक बार के की वैल्यू आपके पास आ गई तो ये के तो कांस्टेंट है, फिर से हम इसी वाली इक्वेशन को लगा देंगे किसके लिए, 44 से 38 के लिए। तो इनिशियल टेम्परेचर था 44, फाइनल टेम्परेचर हो गया 38, टाइम अब टी डैश लग रहा है वो निकालना है, इक्वल टू के, के की वैल्यू वही यूज कर लेंगे। अभी एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहा वो लिख देते हैं अपन। तो 44 और 38 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये वो ऊपर 6/10 था ना, 10 लिखा था ना क्या बेटे, सर वो इंस्टेंट वो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग फ्रॉम 50 - 44 डिग्री सेल्सियस वो 6/10 है, वो नीचे इक्वेशन में आपने 6 से सब्स्टिट्यूट किया है। किधर किधर यार, 6/10 है ना यहाँ पे, है ना, यस इक्वल टू के इनटू एवरेज टेम्परेचर ले लेते थे 44 + 38/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना 30, तो आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय टी डैश इक्वल टू के, के की वैल्यू लिख देते हैं 6/170, 44 + 38 कितना आ जाता है भाई, 44 और 8
41 माइनस 30 कर देंगे तो 11, तो ये कैंसिल होता है, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटे? टी डैश की क्या वैल्यू आ रही है? 170 मिनट आ रहा है बाय 11, 170 बाय 11 कितना है ना, तो ये लगभग कितना आ गया 11 60 15.4. इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, इंटीग्रेशन भी कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन से थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल पड़ जाएगी, हो जाएगा और लगभग आंसर यही आएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं, आपने लिख दिया माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के इंटू टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, तो क्या हो गया डी टी अपॉन टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वो तो फिक्स है 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से टी तक, और इसको इंटीग्रेट कर दो टी इनिशियल से टी फाइनल तक, एक माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा ln of टी फाइनल माइनस 30 डिग्री सेल्सियस अपॉन टी इनिशियल माइनस 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना माइनस के टी, तो क्या आ जाएगा ln of What is T final? T final है कितना? अब जैसे यही वाली इक्वेशन ना आप दो बार आपको लगानी पड़ेगी अब, ठीक है? तो पहले ये इक्वेशन अपन लगा देते हैं 50 से 44 के लिए, तो 50 माइनस 30 मतलब ln 20 और 44 माइनस 30 मतलब ln 14 इक्वल टू माइनस टाइम्स के, टाइम इज 10, तो के की वैल्यू क्या आ गई 1/10 फाइनल 44 हुआ, उल्टा लिख दिया 14/20 आएगा, तो माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ln 20/14, ये आ जाएगा 1/10 ln ऑफ 10/7, ऐसी k की वैल्यू आपके पास है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यही जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें आपके फाइनल को 38 लिख देंगे, तो 38 माइनस 30 तो 8 और 44 माइनस 30 तो कितना 14, ये किसके बराबर आ गया माइनस टाइम्स के, के की वैल्यू लिख देता हूँ 1/10 ln ऑफ 10/7 इनटू अभी वाला टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इनटू ln ऑफ 14/8 मतलब 7/4 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 10/7, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों, है ना। अब क्या है देखो, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो यही आ जाएगी, देखो अब ये अपन कैलकुलेटर से ही कर पाएंगे, इसका ln लेता तो ये आता है 10 into 0.5
6 divided by 10 divided by 7 का ln कितना आया 0.35 तो आपके पास क्या आ गया बेटे फाइव पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय पॉइंट थ्री फाइव तो ये वैल्यू कितना आता है 15.68 आ रहा है नहीं लगभग सेम आ जाता है ज्यादा अंतर नहीं आता और कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली आसान पड़ जाती है उसमें है ना और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ता टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाय टू वाला टर्म कौन से सेंस से आया बेटे मतलब हमने ये मान लिया कि एवरेज रेट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन द टेम्परेचर इज हाफ ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर है ना एवरेज रेट इज सेम एज इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन टेम्परेचर इज एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर मतलब जैसे अपन ने क्या है भाई टेम्परेचर इस तरह से डिक्रीज हो रहा है ना तो इधर से इधर तक टेम्परेचर गिर रहा है तो इस ग्राफ का जो एवरेज रेट है वो इंस्टेंटेनियस रेट एट मिड पॉइंट लिख दिया मैंने इन दोनों के मिड पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसको एवरेज रेट जैसा मान लिया क्या ये बात समझ में आती है बेटा मतलब ये क्या है एक अप्रोक्सीमेट मतलब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपने आप में ही एक अप्रोक्सीमेट लॉ है ना उसमें भी कैलकुलेशन के लिए हमने एक और लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन लगा दिया सो दैट वी डोंट नीड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी डोंट नीड टू सॉल्व दोज ln एंड ऑल दोज टर्म्स हमारे इक्वेशन में ना आए इसलिए हम इसको ऐसा कर देते हैं आंसर में डिफरेंस आता है बट समटाइम्स यू नो एग्जामिनर वॉन्ट्स यू टू सॉल्व थ्रू दिस अप्रोक्सीमेट मेथड वो सर क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा वो पता चल जाएगा कई बार क्या होता है जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता और साथ में क्वेश्चन में मैं ये वैल्यूज भी दे देता एज पार्ट ऑफ क्वेश्चन ओनली कि ln 7 बाई 4 को इतना मानना है ln 10 बाई 7 की वैल्यू ये माननी है तो हम समझ में आ जाएंगे यार ln वेलन से सॉल्व कराना चाहते हैं लॉग का यूज कराना चाहते हैं इसका मतलब चलो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके करते है ना और अगर मान लो ऐसी लॉग वॉग की कोई वैल्यू नहीं है और डायरेक्टली आंसर इस तरह का दिया हुआ है आपको 15.5 मिनट 12 मिनट 18 मिनट तो फिर आपको समझ जाना है कि साहब क्या है इसका मतलब लॉग वॉग का यूज नहीं क्या ये बात समझ में आती है वो क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा अपने को आंसर अच्छा मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया लेकिन ऑप्शन में आपको जो आंसर दिए हुए हैं टाइम टाइम की जो वैल्यू दी हुई है इतना मिनट वो लॉग के टर्म्स में दे दिया है 10 लॉग इतना अपॉन इतना 10 लॉग दिस बाय दैट 10 लॉग दिस बाय दैट इस तरह से फॉर्म में दे दिया आंसर तब भी समझ जाना है अपने को कि यार यहाँ पर क्या है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी
क्या ये बात समझ में आती है सबको? रिशित सोलंकी किधर हो बेटे, तुम दिखाई नहीं दे रहे आज। यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके नेक्स्ट पेज। ओके तो ये बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, है ना। उसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें कराता हूं, दैट इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। देखो बेटे क्या है, मान लो हमसे कहा जा रहा है कि अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस in 10 minutes in a surroundings of temperature 30 degrees Celsius.
हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज टू जूल पर डिग्री सेल्सियस heat capacity of the body is 2 joule per degree Celsius. When the body temperature reaches 38 degrees Celsius, it is heated again so that its temperature becomes 40 degrees Celsius in 5 minutes. Then find the power of the heater required. Find the power of the heater required. क्या आंसर आया बच्चों, जल्दी बोलो।
भाई देखो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाना चाहिए, आसान है। कैसे? देखो बॉडी की हीट कैपेसिटी 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस दी हुई है ना बेटे, तो इसका मतलब फॉर 2 डिग्री सेल्सियस राइज और ड्रॉप इन टेम्परेचर इट मस्ट एब्सॉर्ब और रिलीज कितना 4 जूल्स ऑफ नेट हीट। क्यों भाई 4 जूल ऑफ नेट, अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो 4 जूल इसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा और ड्रॉप कर रहा है तो 4 जूल एमिट करना पड़ेगा। अब देखो जब 40 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर रहा था तो ओनली रेडिएशंस वर इन्वॉल्व, इसका मतलब इसने क्या किया 4 जूल हीट लॉस्ट थ्रू रेडिएशंस इन कितना 10 मिनट्स है ना। अच्छा रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू रेडिएशन जो है क्या ये प्रोपोर्शनल होगा क्या एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस के? प्रोपोर्शनल होगा ना। है ना। तो देखो जब 40 से 4 जूल हीट इसने लूज कर दिया, 4 जूल हीट लूज कर दिया कितना 10 मिनट में इसने 4 जूल हीट लूज कर दिया। तो रेट ऑफ हीट लॉस कितना रहा? फोर जूल पर मिनट। ठीक है, तो जब इसका टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री जा रहा होगा बेटे तब भी क्या होगा रेडिएशन के थ्रू तो ये हीट लॉस ही कर रहा होगा ना। तो रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू रेडिएशन कितना आएगा? अभी भी ये 4 जूल पर मिनट ही आएगा। इसका मतलब हीट लॉस इन 5 मिनट कितना हो जाएगा 0.4 आएगा। तो हीट लॉस इन 5 मिनट्स कितना आ जाएगा बेटे? हीट लॉस इन 5 मिनट आ जाएगा कितना 2 जूल के बराबर हीट लॉस आएगा। अच्छा अभी मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो मेरे को इसको नेट हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। नेट हीट टू बी सप्लाइड वो 4 जूल चाहिए क्या? इतनी नेट हीट इसको एब्जॉर्ब करनी चाहिए। इसका मतलब एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स कितना आएगा बेटे? 6 जूल। इसका मतलब एनर्जी सप्लाइड बाय बाय सोर्स जो आएगा वो आएगा कितना 6 जूल। कितने टाइम में? इन 5 मिनट्स।
तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 6 जूल डिवाइडेड बाय 5 इनटू 60 सेकंड्स, तो 1/50 वॉट आ गया, 2 मिली वॉट। क्या बचे? यह 20 मिली वॉट कितना आएगा? ये क्या ये बात समझ में आती है? रेट ऑफ हीट लॉस कितने टेंपरेचर तक मतलब कांस्टेंट मान सकते हैं? क्या क्या बोल रहे हो? रेट ऑफ हीट लॉस मतलब कितने टेंपरेचर चेंज तक कांस्टेंट मान सकते हैं? नहीं नहीं, कांस्टेंट मानने से क्या मतलब है तुम्हारा? कांस्टेंट कहाँ मान रहे हैं हम? मान नहीं रहे, मतलब एवरेज मान लिया, एवरेज एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज तो निकाल ही सकते हो ना, एवरेज में क्या दिक्कत है तुमको? नहीं सर, मतलब वो तो डेल्टा उसके बराबर होता है ना, टेम्परेचर वर्सेस सराउंडिंग। नहीं 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 भाई, मेरे कहने का मतलब ये है यार कि रेंज तो तुम्हारी 38 से 40 ही है ना, तो 38 से 40 में चाहे टेम्परेचर 38 से 40 जा रहा हो या 40 से 38 जा रहा हो, क्या रेडिएशन के थ्रू तो हीट लॉस का रेट सेम ही रहेगा ना? हाँ भाई, रेडिएशन के थ्रू तो हीट लॉस का रेट सेम ही रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? सिर्फ रेडिएशन रेडिएशन के हिसाब से देखो, जितना 38 से 40 में रहेगा उतना ही 40 से 38 में भी रहेगा। हाँ सर, तो भाई उसमें हमने, इसमें तो हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज किया ही नहीं है। इसमें वैसे 38 से 36 ज्यादा होते हैं, इसके बाद फिर तो हम फिर अप्रोक्सीमेशन होता है ना, 40 से 38 आते हैं, फिर 38 से 36 तक। अच्छा, मान लो तुमसे मतलब ऐसे ऐसे बोल लेते हैं कि भाई हमें इंक्रीज होने का कुछ और दिया होता है, डिक्रीज होने का कुछ और रेंज दी हुई होती है ना, तो फिर उस केस में अपन क्या करते, वो फिर हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ता कि जैसे डिक्रीज होते समय एवरेज टेम्परेचर क्या था और एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग्स के साथ क्या था, और इंक्रीज होते समय एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के साथ क्या रहा था। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी की मदद से अपन क्या करते, इंक्रीज होते समय और डिक्रीज होते समय जो अलग अलग रेट आती वो निकाल लेते। नहीं समझ में आती है बात? यस। भाई जैसे हमसे कहा कि भाई बताओ टेम्परेचर को 40 से 38 होने में इतना टाइम लगा और कम होता जा रहा है 36 तक पहुंच गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने हीट सप्लाई किया और 36 से 38 पहुंचाना है, तो बताओ कितनी इतने टाइम पता ना कितनी पावर लगेगी। तो 40 से 38 में जो रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू रेडिएशन रहा होगा वो 38 से 36 में वो नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स वो चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अपन कैसे, 48 से 38 में एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग पता करो, और 38 से 36 में एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स पता करो। नहीं हाँ सर,
किस तरह से। तो ठीक है बच्चों, आज ये हमारा हीट ट्रांसफर चैप्टर खत्म होता है ना। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आप लोग, बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू। अगली क्लास में हम कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, ठीक है ना, केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे। एचसीवी में से चैप्टर नेम, एचसीवी कौन से चैप्टर का नाम पूछना चाहते हो एचसीवी में से? तुम्हारे पास एचसी वर्मा का पार्ट टू है क्या अभी? नाम बताओ, क्या क्या नाम लिख रहे हैं चैप्टर्स के? हीट ट्रांसफर ही होगा बेटे चैप्टर का नाम, हीट ट्रांसफर नाम से ही होना चाहिए। देखो इसमें ये हैं चैप्टर के नाम, हीट ट्रांसफर नाम का ही चैप्टर है बेटे। इसमें से अभी हमने कौन कौन सा पढ़ा है? हीट एंड टेम्परेचर, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, ये तीन चैप्टर। हाँ, ऑब्जेक्टिव वन एंड टू करना है, यस बिल्कुल। हीट टेंपरेचर में वो भी टेंपरेचर स्केल्स और थर्मामीटर्स का भी टॉपिक, टेंपरेचर स्केल और थर्मामीटर। मैंने बताया तो था कैसे करते हैं इंटर कन्वर्जन एक स्केल से दूसरे स्केल, बस उतना ही काम का है अपना। उसमें ज्यादा दिया हुआ है, हाँ वो ज्यादा वो मत पढ़ो, वो काम करनी है बेटे। हीट एंड जो उसने थर्मामीटर वगैरह का बहुत डिटेल में दिया हुआ है ना, वो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टेस्ट का सिलेबस तो अपना यही है ना, हीट ट्रांसफर है और क्या है, मतलब चैप्टर नंबर 28 से ही है बच्चों, वो कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपांशन से नहीं आएगा। और अगला एक और क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या? न्यूक्लियर फिजिक्स की शीट करना चालू कर दो भाई, न्यूक्लियर फिजिक्स की शीट डिस्कस करते हैं। हाँ, लेट्स डिस्कस शीट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कशन करेंगे या फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे? हाँ यार, डिस्कशन भी करेंगे, नया चैप्टर भी थोड़ा पढ़ेंगे। ओके सर, कल क्या क्या डिस्कस करेंगे सर? कल लेक्चर है क्या हमारा? नहीं सर। नहीं है सर, अभी सीधा नेक्स्ट वीक है। अब इस वीक में कोई लेक्चर नहीं है क्या अपना? होगा यार, कल है। कल है? हाँ सर है कल। तो कल कुछ तो करके लाओ यार। सर हमारे टाइम टेबल में नहीं दिया है, कल नहीं है सर लेक्चर। लगता है कुछ मिसमैच हो रहा है टाइम टेबल में, चेक करवाते हैं।
ठीक है, अभी अपडेट आ जाएगा, है ना? Yes.